पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने सतनाली कस्बे के हरिजन बस्ती में 8 लाख रुपए की लागत से बने पानी के बोरवेल का बटन दबाकर किया उद्घाटन। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महेंद्रगढ़ को विकास में नहीं रहने दिया जाएगा पीछे। हरियाणा भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र के सतनाली कस्बे में लगभग 8 लाख रुपए की लागत से बने पानी के बोरवेल का बटन दबाकर उद्घाटन किया। इस मौके पर जन स्वास्थ्य विभाग के एक्शन प्रदीप यादव विशेष रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि वे आज से लगभग 1 महीने पहले सतनाली कस्बे के हरिजन बस्ती में आए थे, तो यहाँ के लोगों ने बस्ती में पानी की समस्या से उन्हें अवगत कराया था। उन्होंने उसी समय ही बस्ती के लोगों को आश्वस्त किया था जल्द यहाँ पानी के लिए ये समस्या दूर की जाएगी। भाई और बहनों, हमने मार्च के पहले सप्ताह में इस बस्ती में हम आए थे। यहाँ ये बड़ी बस्ती है, सतनाली बड़ा गांव है और इस गांव की सबसे घनी आबादी वाली ये बस्ती। पानी की यहाँ समस्या थी। प्रदीप यादव उस दिन मेरे साथ आए थे, बिजली बोर्ड से हमने बात की, उन्होंने कहा 75,000 रुपया का बिल बकाया। मैं प्रदीप को फिर अभिनंदन करता हूँ कि इन्होंने तुरंत काल से वो 75,000 रुपया जमा कराया और आज आपके सामने हम जो बोल के गए थे वो काम आपकी आंखों के सामने हम पूरा कर रहे हैं। ये सब आपकी बनाई हुई सरकार के कारण ये हो सका। इस अवसर पर जितने भाई बहन उपस्थित हैं सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। महेंद्रगढ़ से सुशील शर्मा की रिपोर्ट।